नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारे खजूर के पेड़ों से निकले हुए ऑफ शूट हैं जिनको हमने थैलियों में भर दिया। जनवरी महीने में निकाले थे और उम्मीद है कि शायद ये पेड़ बन जाएंगे। उनको पानी पिला रहे हैं, थैलियों में हैं ये, और साथ में इनमें वेस्टी कंपोस्ट डाल रहे हैं जो रूट प्रमोटर का काम करेगा। धनजी भर गई, बदल लो, उस वाले में पटक लो, उस वाली में देखो। आगे से उठाओ, ऊपर से उठाओ ना। अरे इसको तो इधर से पिलाते हैं। अरे यार ये हमारी 11 क्यारी हैं, तकरीबन 2,500 पेड़ हैं। थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अगर बन जाएंगे पेड़ तो ये, क्योंकि हमें ऑफ शूट तो हटाने थे ही, तो ऑफ शूट्स को हटा के हमने पेड़ बनाने की ट्राई करी है। हमारे पास 780 खजूर के पेड़ हैं जिसमें 750 मेल हैं और 30 फीमेल हैं। सॉरी पूरा गलत बता दिया मैंने आपको, 750 फीमेल हैं और 30 मेल हैं। 750 में 500 बरई हैं और 100 खुनेजी, 100 खल्लास और 50 मैटजूल हैं, और जो 30 मेल हैं वो अलघनामी हैं। मेल पोलिनेशन के काम आता है, विदाउट पोलिनेशन इसमें फ्रूटिंग नहीं होती हैं, इसलिए ऐसा है सिस्टम। और देखो हमारे खेत में ना अभी रोज़ आया हुआ है, वो आपको दिखे तो, पेड़ के पीछे है रोज़, नीलगाय, रोजड़ा, कई नाम है इसके। ये दिन में यहीं घूमता है कई बार और रात को फिर उधर निकल जाता है फसलों को खाने के लिए। तो इसको हमारे खेत में तो कुछ खाने का मिलता नहीं है यहाँ पे खास। ये हमारा खजूर का बगीचा है, स्टार्टिंग वाले पेड़ थोड़े ग्रोथ कम है इनमें, इनके पीछे वाले जो उनमें अच्छी ग्रोथ है उन्हीं में फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है इस साल। साथ में नींबू लगे हुए हैं हमारे, नींबू को अब जुलाई में 2 साल हो जाएंगे पूरे, जुलाई अगस्त में। तो ये हर खजूर के बीच में एक एक लगाया हुआ हमने इसी लाइन में, तो यही ड्रिप लाइन्स काम में लिए हमने, क्योंकि एक टाइम बाद तो खजूर ऊपर निकल जाएगा, नींबू नीचे रह जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।